इलेक्शन कमीशन, ये हेडिंग है और आपका अलग से सेपरेट जो है आपका क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन, इसमें आपने इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन बतानी है, पावर्स एंड फंक्शन, कि हमारी कंट्री में पावर्स फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है। देखा जाए तो हमने फीचर्स में और इलेक्शन की कंडक्शन में जो भी है वो सारा हमने कर लिया है, लेकिन अब आपको इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसका आर्टिकल कौन सा है, क्या क्या इसकी पावर्स है और इसका टेन्योर क्या है। आपको हर पॉइंट 1 मार्क के अकॉर्डिंग आ सकता है। नंबर 1 कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आप इसकी करोगे, इसकी टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमीशन का। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टर्म, आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन की टर्म कितनी है, टर्म को टेन्योर भी कहते हैं, 6 ईयर्स। सिर्फ हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसा कमीशन है जिसकी टर्म 6 ईयर्स है। बेसिकली हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, काउंसलर हैं, उनकी सबकी होती है 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इसकी टर्म है 6 ईयर्स। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं परमानेंट बॉडी नहीं है, टेम्पररी है, एंड लेकिन इनके इलेक्शन नहीं होते, दे आर अपॉइंटेड। फिर इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन इनको अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑल द 3 मेंबर्स। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं, 1 है सीईसी प्लस 2 मेंबर्स, टोटल कितने हो गए 3। इलेक्शन कमीशन में टोटल है 3 मेंबर्स, 3 में से 1 इनका हेड है, उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस 2 बाकी अलग मेंबर्स हैं। आप ये सोचो कि ऐसा होगा, यहाँ पे होगा सीईसी, इसकी पावर्स टॉप पे है, यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन का के दूसरे मेंबर, 1, 2 एंड 3, 3 मेंबर्स हैं, लेकिन 3 मेंबर्स ही नहीं, इनका प्रॉपर डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन का जो दिल्ली में है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर। जैसे हम कहते हैं ना हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारा डिसीजन कौन लेता है, उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, सेम हमारे मींस मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है दीज आर टेकन बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर मेंबर्स, एंड होल डिपार्टमेंट इज देयर जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट दिल्ली में है, लेकिन आपको पता है जितनी हमारी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के भी इलेक्शन कमीशन होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये भी सारे इनके अंडर है। यानी कि हमारी कंट्री में सारा इलेक्टोरल प्रोसीजर जो है उसकी इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेते हैं, सीईसी एंड 2 अदर मेंबर्स। जैसे लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे, डेट अनाउंस कब होगी, कौन सी पार्टी को लीगल रिकॉग्निशन देनी है, कौन सी नई पार्टी को कौन सा सिंबल देना है, दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय दीज 3 मेंबर्स। इनकी साइनिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इनका साइन उस पर चलेगा। जैसे हमारी कंट्री का प्रेजिडेंट एक ही है, यानी कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसमें प्रेजिडेंट के साइन होंगे तो वो पॉलिसी लॉ बनेगी, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसा ही इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, these decisions will be finalized and approved by chief election commissioner and 2 other members, these are election commissioner, total kitne ho gaye 3। agar main aapse ye poochti hu ki how many members are in the election commission, 3। who is the head of election commission, chief। what is the tenure of election commissioner, 6 years। what is the tenure of cec, 6 years। is it temporary or permanent, temporary। and who can appoint these 3 members, बाकी जितने, हाँ जी मान्य एंड लवण्य, हाँ जी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में इनके आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है कि इनके नीचे नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स आर देयर जो इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं। अल्टीमेटली साइनिंग अथॉरिटी किनकी है, इनकी, ठीक है। अगर आप दिल्ली में कभी जाने का मौका मिलेगा वहां पे प्रॉपर इलेक्टोरल डिपार्टमेंट है एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर। जो हमारी कंट्री में जैसे हम कहते हैं ना एक मूवी बनती है, हम सिर्फ पूछते हैं हु इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे बैक टू कर्टन कितने लोग काम करते हैं, तो हाँ क्रू मेंबर्स कहने तो। लेकिन हमारी कंट्री में मेन इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है, इलेक्शन कमीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है कि जब नया इलेक्शन कमीशन बनेगा वो क्या काम करेगा, किससे पूछेगा कि मेरा काम क्या है, वो किससे पूछेगा नहीं। आर्टिकल इज देयर, यस आर्टिकल 324, ठीक है, विच आर्टिकल गिव्स प्रोविजन फॉर इलेक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन से आर्टिकल में हमारी कंट्री के इलेक्शन का सारा प्रोसेस और प्रोसीजर जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है,
यानी कि जब भी हमारी कंट्री में सपोज सीईसी चेंज हो गए, बात रितिका बाद में कर लो, सीईसी चेंज हो गए, अब जो नए सीईसी बनेंगे ना वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 324 इसको रीड करेंगे। ये आर्टिकल छोटा नहीं है, प्रॉपर ये सोचो कि बहुत बड़ा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की पावर्स, और अगर कुछ भी वो गलत करेंगे उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है और उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उनका एरिया क्या है, दैट हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल। और हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है ये पावरफुल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज ये याद रखना वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इन तीनों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन। ये मैंने आपको फीचर करवाया है इलेक्शन का, क्या फीचर है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो लॉ बनाना है उसके लिए इनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था इसका टेन्योर, इसका टाइम पीरियड, ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देनी है अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, बिल्कुल शॉर्ट में। अब हमने बताना है इनके पावर्स या फंक्शंस दोनों ही। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा पावर्स क्या है तो भी सेम ही आएगा, अगर मैं ये पूछूं फंक्शंस क्या है तो भी सेम आएगा, चाहे पावर्स आए चाहे फंक्शंस आए, आपने प्रॉपर बताना है कि हमारी कंट्री के इलेक्शन से रिलेटेड इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से इनके फंक्शंस। नंबर वन, फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज टू कंडक्ट इलेक्शंस। हेडिंग बनाओगे आप, हेडिंग बनाकर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा, टू कंडक्ट इलेक्शंस। अब इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन ही करवाएंगे ना, टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। अब इसको अपने आप पॉइंट को एक्सप्लेन करो, टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब कंट्री में जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उन इलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेंगे, इलेक्शन कमीशन। तो साथ ही लाइन लिख दो दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्शंस इन द कंट्री। फर्स्ट हो गया कंडक्ट, कंडक्ट में ही हमने बताना है फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग में हेडिंग वाइज आपको नोट बता रही हूं, टू कंडक्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस करवाना, फर्स्ट फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट इलेक्शंस। इसमें हमने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम आए इलेक्शन से रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आपने पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल बूथ कैप्चरिंग आ जाती है, रिगिंग आती है, माल प्रैक्टिसेस आती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस आती हैं, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये आप अपने आप लिख सकते हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल करके कर दो, रिगिंग का मतलब होता है जिसमें लोग फॉल्स, जो वोटर कार्ड है नकली वोटर कार्ड भी बना लेते हैं उसके बेसिस के ऊपर, हाँ जी, RIGGING, रिगिंग, ओके। सेकेंड इज बूथ कैप्चरिंग जैसी प्रॉब्लम, बूथ पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते हैं, गन पॉइंट, वोटिंग ऑन गन पॉइंट, ये भी हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स है। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। किसी भी पर्सन के पास कोई प्रूफ है, मेरे पास कोई वीडियो है, उस वीडियो में मैंने देखा कि कोई लोग जो है वो गन पॉइंट पे वोटिंग करवा रहे हैं, मैंने सीक्रेटली उसका जो है वो वीडियो बना ली, बाद में मैं यही वीडियो किसके पास दिखाऊंगी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को भेज सकती हूँ। अगर मैंने सपोज यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसके ऊपर एक्शन जो है वो किसका होगा, इलेक्शन कमिश्नर का। और अगर वो पर्सन जीत गया है, जिस पर्सन के वो जो है जो भी गनमैन है उसकी सीट जो है, अगर वो जीत गया है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सपोज अगर 2 मंथ्स के बाद वीडियो आता है, 3 मंथ्स के बाद आता है, उसकी पहले वीडियो की प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी कि वायरल है, क्लेम हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है फॉल्स वीडियो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन उसकी वेरिफिकेशन कैसे करता है। हाँ, उस एरिया पे जो इलेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, फिर बाय इलेक्शन, एक पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होंगे उनको बोलते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, बिहार में, यूपी में, पंजाब में नहीं, ये इलेक्शंस नहीं, वो इलेक्शंस नहीं, वो सिर्फ चेंज हुआ, इलेक्शंस नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड इज, सेकंड हेडिंग, मेन हेडिंग लिखो, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट। अब इसमें सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं लिखना, हमने इलेक्शन से रिलेटेड हम कितना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट
एंड ड्यूरिंग इलेक्शन वोटर कार्ड आर ऑल्सो इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन. मेरे पास ना एक व्हाट्सएप का मैसेज है और मैं आपके ना क्लास ग्रुप में वो सेंड करूंगी. वो रिसेंटली पंजाब के जो इलेक्शन होने हैं ना उनसे रिलेटेड है कि अगर किसी पर्सन का आई कार्ड वोटर कार्ड नहीं है तो उनके सेंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. उस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स या जो जो भी उनका आधार कार्ड. हाँ आया ना, जिनके पास नहीं ना आई विल सेंड. ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल होगा कि इलेक्शन से पहले ऐसे मैसेजेस कोई प्राइवेट पर्सन थोड़ी इशू करेगा. कौन इशू करेगा? इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो इसमें आप क्या बताओगे? इट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन इलीगल. ठीक है बना तो ले, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तो थ्रू आउट द लाइफ जेल है ना. इलीगल करना ही क्यों, हमने कर ही नहीं सकते है ना. ठीक है, टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड. वोटर कार्ड भी कौन इशू करते हैं? इलेक्शन कमीशन. टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इवन बिफोर इलेक्शन वोटर कार्ड आर इशूड एंड वोटर लिस्ट आर अपडेटेड. अपडेटेड का मतलब क्या होता है? अपडेट करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मैं आपको मैसेज भेजूंगी वो अपडेशन से रिलेटेड है. अपडेशन का मतलब क्या होता है? सपोज 5 साल पहले कोई पर्सन जलंधर में नहीं था, लेकिन अब उसकी ट्रांसफर हो गई है, वो जलंधर में आ गए. नाउ दे आर द डोमिसाइल ऑफ जलंधर, है ना, पंजाब के. न्यू वोटर्स की लिस्ट को अपडेट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. इसमें क्या होता है और आप बता सकते हो कैसे अपडेट किया जाता है? प्रायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस. प्रायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस. जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का मैसेज भेजूंगी या फिर इन द न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ के उन सेंटर्स में जाकर अपना वोटर कार्ड चेंज भी करवाते. कई बार होता है ना कि मैंने अपना नेम चेंज करवाना, तो अपडेशन का मतलब होता है स्पेलिंग्स गलत है, एड्रेस चेंज करवाना है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है. हाँ जी रितिका. प्रायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस. मैसेज कहीं भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, टीवी में भी हो सकता है, आजकल तो सोशल मीडिया में भी दिया जा सकता है. अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन का मोटिव क्या है? लोगों को अवेयर करना कि इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो आप अपनी वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड को क्या करवाओ, अपडेट करवाओ. हाँ जी, ऑर्डर यहाँ से इशू होता है. ऑर्डर यहाँ से इशू होगा, बाकी फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस दी जाएंगी. फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वो अपने अपने स्टेट्स में गाइडलाइंस इशू करेगी. ठीक है, आगे आ जाओ. थर्ड, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ये तो आपने फीचर में भी पढ़ा है. टू, हाँ अलग हेडिंग हो जाएगा. टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड. यानी कि हर सेंटर, हर बूथ में प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, एंड ऑफिशियल स्टाफ. ऑफिशियल स्टाफ का मतलब होता है इलेक्शन अच्छी तरह से कंडक्ट किए जाए, ऑफिशियल स्टाफ की ड्यूटी लगती है. आप में से भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्टाफ है, उनकी ड्यूटीज लगेंगी. और उन ड्यूटीज के लिए जिस दिन की इलेक्शन ड्यूटी होगी ना, उन दिन उस पर्टिकुलर डे के लिए उनको प्रॉपर जो है वो मनी मिलती है. सपोज अगर मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी है पूरे दिन के लिए, तो मेरे को जो सैलरी, मेरे को जो उस दिन की, एक दिन के लिए जो भी मिलेगी ना ड्यूटी, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पे किया जाएगा. वोटर्स का नहीं होता. मेरी ड्यूटी यहाँ पे, मेरी ड्यूटी यहाँ पे सिर्फ क्या है, जो पर्सन आया है मैंने उसका रिकॉर्ड चेक करना, उसका नेम चेक करना, उसका वोटर कार्ड चेक करना. 9 से लेकर 9 to 5 मैंने यहाँ पे बैठे रहना, मेरी ये ड्यूटी. किसी और की ड्यूटी क्या होगी? उस पर ईवीएम पे नजर रखनी कि ईवीएम्स में प्रॉपर किसी पर्सन ने 2 बार बीप को नहीं बजा दी. हाँ, एक पर्सन की ड्यूटी क्या होगी? वो जस्ट क्या लगाएंगे, मार्कर, ब्लू कलर का मार्कर है, नेल्स पे प्रिंट लगाएंगे, उसकी ड्यूटी सिर्फ यही. हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर का मतलब एक पर्सन बार बार वोटिंग के लिए ना आ जाए. ठीक है, तो हर तरह से देखा जाता है, ये हमने इसमें बताना है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री. फॉर दैट प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द सेंटर्स. एंड इसके अलावा प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं कि ईवीएम्स जो है उन पे भी नजर रखी जाती है. ईवीएम्स वोटिंग के बाद जहां पे रिटर्निंग सेंटर्स बनते हैं वहां पे भी प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन होगी जब तक काउंटिंग नहीं होगी. ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन करवा लिए उसके बाद ईवीएम्स पड़ी नहीं. जब तक काउंटिंग नहीं होती तब तक जिस सेंटर में ईवीएम्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है वहां पर भी प्रॉपर पुलिस जो है प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी होती है. ठीक है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट,
अच्छा इंस्टॉलेशन ऑफ कैमराज आर देयर, अब कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग टीम अलग से होगी जो टीम प्रॉपर नजर रखेगी कि हाँ जी कितने पर्सन सेंटर के अंदर गए कितने बाहर आए, ऐसा तो नहीं कि वो सेंटर के अंदर ही है और अंदर देखते हैं कि हाँ जी प्रॉपर कहाँ पर है कितना स्टाफ है वो वोटिंग के साथ बाहर आए हैं कि अंदर ही है और अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स कभी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा मंगवाई जा सकती हैं, इनको एज अ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और अगर कहीं भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस के प्रूफ मिलते हैं तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेंटर के सारे वोट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है, यूपी भी हर टाइम तो मतलब होता ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, टू डिवाइड द इलेक्टोरल एरियाज, ये हमारा फीचर में भी था, उसमें भी था जब हमने किया है कंडक्शन में किया है कंडक्टिंग, टू डिवाइड द इलेक्टोरल एरियाज, टू डिवाइड इलेक्टोरल एरियाज, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इलेक्टोरल एरियाज गुरपाल, कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टू डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें आपने क्या बताना है, दो लाइंस याद रखो, इसमें आपने फर्स्ट लाइन में बताना है इफ द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा विल बी देयर देन होल ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कौन कौन करेगा डिवाइड, इलेक्शन कमीशन। इफ द इलेक्शंस आर फॉर विधानसभा इन द स्टेट या असेंबली के इलेक्शंस हैं देन सीट्स देन द पर्टिकुलर स्टेट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स। सपोज पंजाब है, पंजाब में 117 है, 117 MLAs है, तो होल ऑफ द पंजाब विल बी डिवाइडेड इनटू 117। ठीक है, लेकिन अगर MPs की बात करें, हमारे पंजाब में टोटल सिर्फ 13 सीट्स है, तो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए पूरे पंजाब को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 13 MP और 117 MLA। MP के इलेक्शन है तो पंजाब को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर MLA के इलेक्शन है तो पंजाब को 117 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट किसके अंडर आएगा, इलेक्शन कमीशन। टू डिवाइड द इलेक्टोरल एरियाज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट, टू रिकॉग्निशन, टू गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट हेडिंग, टू गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है हमारी कंट्री में दो तरह की पार्टीज हैं, एक होती है नेशनल पार्टीज, टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट हेडिंग, क्या होती है रिकॉग्निशन, हमारी कंट्री में दो तरह की पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी, इसका डिसीजन कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन। पिछले इलेक्शंस के लिए ना पिछले लोकसभा के रिजल्ट देखे जाते हैं, अगर तो किसी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनना है तो पिछले लोकसभा इलेक्शंस में या उससे पिछले लोकसभा इलेक्शंस में उस पार्टी के एटलीस्ट 4 सीट्स होनी चाहिए। समझ आइए, फिर से देखो, अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती, नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा में एटलीस्ट उस पार्टी के 4 सीट्स यानी कि 4 MP होने चाहिए। समझ आई, 4 MP हैं तो इट मीन्स वो जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है कि रीजनल पार्टी है, ऑल ओवर वन। मतलब इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कुछ पार्टीज 4 सीट्स भी नहीं जीत सकती, इसका मतलब वो पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कौन डिसाइड करता है कि पार्टी नेशनल है कि रीजनल, इलेक्शन कमीशन। एक लाइन ये होगी। सेकेंड लाइन याद रखो, अगर किसी पार्टी ने स्टेट पार्टी बनना है, स्टेट पार्टी के लिए सपोज अकाली दल क्या है, स्टेट पार्टी, शिवसेना क्या है, स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही होती है, ठीक है, वो पार्टी किसी और स्टेट में नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अकाली दल। अब किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए सेम क्राइटेरिया वही है, यानी कि 117 में पंजाब में टोटल कितनी सीट्स हैं, 117 में से उस पार्टी के कितने MLA होने चाहिए, 4 MLA। स्टेट हाँ लड़ सकते, लड़ेंगे इस बार उन्होंने खड़े। ठीक है, तो आप सिर्फ बच्चे इतना याद रखो, अगर आपको परसेंटेज नहीं याद होता आप ऐसे याद रख लो दैट द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू गिव रिकॉग्निशन टू द पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड विच पार्टी विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल और स्टेट। इतना याद रख लो,
बूथ नहीं होता, नेशनल मतलब आईएनसी जो है वो नेशनल है, नेशनल मतलब कहीं भी हो सकती है, वो स्टेट होगी, जो नेशनल है वो ऑटोमेटिकली स्टेट होगी, लेकिन स्टेट नेशनल नहीं होगी। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको परसेंटेज नहीं आती होती कोई बात नहीं, ये हमारा वैसे टेंथ में हम करवाते हैं, मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, अगर आपको ये नहीं याद होता आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच पार्टी विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल और स्टेट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को क्या देते हैं, सिंबल्स, कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से अपना सिंबल डिसाइड नहीं करती। कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, आजाद उम्मीदवार, ठीक है, वो सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये वाला दे दो, लेकिन पार्टी ये देखेगी कि किसी और के पास तो नहीं वो सिंबल है। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज के सिंबल जो एक बार बन जाते हैं वो फाइनल होते हैं, आजाद उम्मीदवार के चेंज हो सकते हैं, क्लियर, नहीं एक बार जो बन जाते हैं फिर चेंज।